हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे बिजनेस एनवायरनमेंट के, ठीक है ना। आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, जिसमें हमें पहला पॉइंट दिया गया है हेल्पफुल इन एस्टैब्लिशिंग बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने में मददगार होता है, व्यवसाय की स्थापना में सहायक। जिस प्रकार का व्यावसायिक पर्यावरण उपलब्ध होगा, उसी प्रकार के व्यवसाय की स्थापना की जा सकती है। इसकी जानकारी व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन से ही प्राप्त हो सकती है। नॉर्मल सी बात है कि क्या व्यावसायिक पर्यावरण माहौल कैसा होगा, ठीक है ना, नेचर कैसा होगा, उसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बिजनेस की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम ये सोचते हैं कि मार्केट में हमें कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करना, बट आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि आपको किस चीज़ में करा जाए। तो आप सबसे पहले मार्केट में निकलोगे, मार्केट में देखोगे कि मार्केट में क्या चीज़ है और क्या नहीं है, किसमें स्कोप ज़्यादा है, किसमें स्कोप नहीं है, कौन सा बिजनेस फेस्टिवल होता है, कौन सा ईयरली होता है, ठीक है ना। फेस्टिवल ईयरली ऐसा होता है कि एक बिजनेस ऐसा होता है जो पूरे साल कंटिन्यू एक जैसा चलता है, और एक बिजनेस ऐसा होता है जो त्योहारों पर चलाया जाता है वैसे, ठीक है ना, फेस्टिवल के हिसाब से। तो वही चीज़ आ रही है कि मार्केट का अगर आप नेचर देखोगे, ठीक है ना, एनवायरमेंट देखोगे, बिजनेस उसी पे आप हम डिसाइड कर सकते हैं कि बिजनेस कैसा करना है, कौन सा करना है, ठीक है ना, कौन से बिजनेस पे कितना है, इसको हमें किसको कितनी कैपिटल लगती है, गुड्स कहाँ से आते हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, ये सारे डिटेल आपको यहीं से पता चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब दिया गया है कि अवसरों को पहचानने में सहायक, व्यवसायिक पर्यावरण के अध्ययन से उपलब्ध अवसरों की जानकारी उपलब्ध हो जाती है। उदाहरण के लिए मोटर उद्योग एवं घरेलू उपकरण उद्योगों में अवसर को देखते हुए नेरोलक पेंट कंपनी ने पूर्तिकर्ता के रूप में अपना स्थान बना लिया। क्या हुआ, व्यवसायिक पर्यावरण के अध्ययन से उपलब्ध अवसरों की जानकारी प्राप्त। अब हमें क्या होता है कि अगर हम मार्केट गवर्नमेंट की जानकारी लेते हैं, हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें क्या होता है ऐसे ऐसे सारी जानकारी हो जाती है, हमें यह पता चलता है कि मार्केट में कौन सी चीज़ नहीं है, हम किस चीज़ में किस फील्ड में जाए बिजनेस करना है, हमें तो किस फील्ड का कर कौन सा बिजनेस करें, किस में कितना स्कोप है, हमें पता चल रहा था। एग्जाम्पल दिया है इसने कि मोटर उद्योग एवं घरेलू उपकरण उद्योग में अवसरों को देखते हुए नेरोलक पेंट कंपनी ने पूर्तिकर्ता के रूप में अपना स्थान बनाया। अब जो नेरोलक पेंट कंपनी है, ठीक है, उसने क्या करा गया है कि पूर्तिकर्ता, मतलब ये बोल सकते हैं क्या मशीनें हैं, ठीक है, मशीनें होती है, इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स वगैरह उपकरण जो होते हैं हमारे, ठीक है ना, इन सबको क्या होता है, सब में कलर आता है, लाइक ये बोल सकते हैं हम कूलर फ्रिज सभी ले रहे हैं, सब में कलर हो रहा है, मनी बात है, मोटर वगैरह आप लेते होंगे तो सब कलर करी हुई आती है, उन पर कलर होता है ऊपर से बॉडी पे उनकी, ठीक है ना, गाड़ी लेते हैं उन पर। तो इन सब की ज़रूरत को देखते हुए नेरोलक जो पेंट कंपनी है, उसने क्या करा है खुद का ब्रांड निकाल के, कि नहीं इन चीज़ों के लिए भी एक पेंट निकालना जरूरी है, ठीक है ना, इन पेंटों के हिसाब से भी क्या होता है, या फिर इन मशीनों के लिए भी एक पेंट निकालना जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि अरे एग्जाम्पल अपने हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है, नेरोलक पेंट कंपनी के ले लेते हैं। पहले क्या होता था, पहले पता ही नहीं होती थी क्या, कलर वलर नहीं आते थे क्या, ऐसा होता था कि हमने पुराने टाइम पे नहीं, पहले के टाइम पे क्या होता था कि गोबर वगैरह से लिपा जाता था, ऐसे पुताई वगैरह नहीं होते, फिर धीरे धीरे चूने का यूज़ हुआ, ठीक है ना, चूना पोता जाता था, फिर उसमें नील डाल के उसका कलर चेंज करा गया, ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलप होते गए। फिर मार्केट में धीरे धीरे जब कलर आए हैं तो डिस्टेम्बर आता था, पहले सुना होगा डिस्टेम्बर आता था, आज भी आता है, ठीक है ना, डिस्टेम्बर आता था, उसमें छोटी छोटी डिब्बे जो मिला दी जाती थी कलर की, उसमें पैकेट के कलर आते थे। अब ऐसा हो गया कि अब वाटर प्रूफ कलर आ गया है, ठीक है ना, ऑयल पेंट आ गया, मतलब शाइनिंग पेंट आ गया, मतलब जमाने भर के अलग अलग वेराइटियों के पेंट मिल गए हैं, ठीक है ना। पहले ऐसा होता था कि अगर उस पर हाथ फेर दो तो आपके हाथ पे कलर आ जाता, अब आजकल ऐसा हो गया आप वो कलर को धो भी दोगे रगड़ रगड़ के तो वो आपके शाइनिंग मारने लग जाता, जैसा था वैसे ही हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती है, हमारी जरूरतों के हिसाब से बिजनेस को क्या करता है, अपने आप में जानकारी मिलती है, लाइक हमें जिस चीज़ की कमी लग रही है, हम ये बोलते हैं क्या ये चीज़ और होना चाहिए, मार्केट में ऐसी चीज़ निकलना चाहिए जिससे हमारा फायदा हो। जैसे बोल सकते हैं कि हम कोई कंपनी को जानकारी कैसे मिलती है, पब्लिक से मिलती है, हम लोगों से ही सारी जानकारी बिजनेस पे होते हैं। ये बोल सकता हूँ जैसे मैगी का ब्रांड ले लेते हैं, ठीक है ना,
मैगी का माइंड, मैगी जो कंपनी हैगी उसमें क्या कंडीशन है, 2 मिनट में बनने की। अब 2 मिनट में बनने की उनको क्या जल्दबाजी थी, वो 10 मिनट भी ले सकते थे, आधे घंटे भी ले सकते थे, 2 मिनट वाले प्रोसेस क्यों निकाली, ठीक है। वो 2 मिनट वाले प्रोसेस इसने निकाली, क्या होता है कभी कभी हम इमरजेंसी में रहते हैं, ठीक है ना, लाइक बोल सकते हैं हम इमरजेंसी, हमें कहीं जाना है बाहर, अर्जेंट है का बिल्कुल, हमारी फ्लाइट छूट रही है, हमारी ट्रेन छूट रही है, ठीक है ना। अब अर्जेंट में, इतने अर्जेंट में क्या बन सकता है, मैगी बना ली, ठीक है ना। हम कहीं ऑफिस से आए हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं और भूख लग रही है हमें अर्जेंट, इतनी हिम्मत नहीं है कि हम खाना बना सकते हैं या कुछ कर सकें, क्या कर लिया, मैगी बना ली। तो यही ज़रूरत है क्या दी गई है उनको, ठीक है ना। मैगी कंपनी का आज इतना मार्केट में नाम हो गया इन्हीं ज़रूरतों के बिहार पे, ठीक है ना, कि आपकी जो अर्जेंट वाली ज़रूरत है ना उसी बिहार पे क्या हुआ, मैगी कंपनी का मार्केट में आज इतना नाम हैगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, आपको अपने अवसर पहचानने पड़ते हैं। बिजनेस कर रहे हो, आपने एनवायरनमेंट देखा, माहौल देखा, उस हिसाब से क्या करना पड़ता है, आपको अपने अवसर देखने पड़ते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी को पहचानना पड़ता है कि नहीं मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको पूरा करूँगा। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्ली वार्निंग, भावी खतरों को पहचानना। व्यवसायिक पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के फलस्वरूप भविष्य में आने वाली आर्थिक खतरों की संभावनाएं निरंतर बनी रहती है। व्यवसायिक पर्यावरण के अध्ययन से इनका आसानी से पता चल जाता है। उदाहरण के लिए टाटा की नैनो कार से प्रतियोगिता करने के लिए अन्य मोटर कार कंपनियों ने भी सस्ती कार निर्माण की घोषणा कर दी। इसी प्रकार जियो द्वारा संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने पर अन्य कंपनियों को भी अपने नए पैकेज की दरों को उपभोक्ता के पक्ष में करना पड़ा। अब क्या होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्ली वार्निंग, भावी खतरों को पहचानना। अब यहाँ पर खतरे भी, जान माल का खतरा नहीं है कि हमारे पास कोई लूट मार होगी या कुछ होगा, नहीं ऐसे कोई खतरे की बात नहीं कर रहे हम लोग। क्या रहता है कि बिजनेस में खतरे ऐसे रहते हैं कि यार आपका कंपटीशन कब कहाँ किस तरीके की योजना निकाल के प्लानिंग लेकर आपके सामने खड़ा हो जाए, तब आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे। लाइक किसी कंपनी ने ये नहीं सोचा था कि टाटा कंपनी इतनी छोटी कार इतने सस्ते में बना के दे देगा, ठीक है ना। मतलब सस्ती कार भी हो गई, ठीक है ना, छोटी कार भी हो गई, आप कहीं भी उसको एडजस्ट कर सकते हो, रख सकते हो, पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट में निकाल सकते हो, ठीक है ना। कभी नहीं सोचा था ये लोग, छोटी कार आ गई, हर आदमी ने खरीद ली, ठीक है ना, आम आदमी के बजट में भी आ गई, क्रांति आ गई मार्केट में। अब सब ये सोचते हैं यार हमें भी सस्ती कार निकाल। फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि जियो कंपनी जो निकली, ठीक है, किसी ने नहीं सोचा था कि इतना सस्ता डाटा हमें प्रोवाइड या मिल सकेगा। क्यों? क्योंकि उस समय रेट चलते थे 100 रुपीज़ में 1 GB डाटा मिलता था मंथली, ठीक है ना, 100 रुपये में 1 GB डाटा मिलता था, वो भी मंथली हमें 1 महीने के लिए, ठीक है। बैलेंस डलवाना पड़ता था बात करने के लिए, हमें कॉलिंग के लिए मिनट्स डलवाने पड़ते थे, सेकेंड के पिक डलते थे, SMS पिक अलग से डलते थे, ये सारी सुविधाएँ हमें लगवानी पड़ती थी, ठीक है। अब क्या हो गया, आपको 1.5 GB मतलब 1.5 GB 1 GB 2 GB आप जिस हिसाब से रिचार्ज करवाते हो, कॉलिंग फैसिलिटी फ्री हो गई, ठीक है ना, आपके पास में SMS फैसिलिटी फ्री हो गई, और क्या चाहिए आपको। जो चीज़ सबसे पहले महंगी मिलती थी, मतलब अगर एवरेज माना जाए उस टाइम से अभी कंपेयर करके, पहले 1 GB डाटा 100 रुपये मिलता था, ठीक है। अगर आप आज भी डेली 1 GB डाटा वाला पैक डलवाते हो तो 30 दिन का कितने का पड़ेगा, 3,000 रुपये का सिर्फ डाटा पैक पड़ेगा, प्लस कॉलिंग फैसिलिटी आज अनलिमिटेड कॉलिंग है, उस समय 1 रुपये 1.50 पैसे मिनट मिलता था, ठीक है ना, कॉलिंग लगती थी, तो वो फैसिलिटी हो। तो उस टाइम पे और इस टाइम पे कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, 5-6 साल का ही डिफरेंट है। बट मार्केट में क्या हो गया कि जो चीज़ आपको 5,000 रुपये में मिलती थी, अगर सब चीज़ का कोटा मान लें कि एक कंपनी जो अभी दे रही है उस समय के रेट के हिसाब से, वो 5,000 रुपये एक व्यक्ति का खर्चा है, अब क्या हो गया वही चीज़ हमें कितने में मिल रही है, 400-500 रुपये में हो गया। कितनी बड़ी क्रांति, कितना बड़ा चेंजेस हुआ है कि जो चीज़ 5,000 रुपये में उस टाइम की थी आज वो हमें सस्ती, इतनी सस्ती मिल रही है, किसकी वजह से, जियो कंपनी की वजह से, ठीक है ना। तो यही चीज़ होता है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, दूसरी कंपनी को अगर मार्केट में रहना है तो ऑटोमेटिक क्या करने पड़ेंगे, रेट कम करने पड़ेंगे, वरना हमारी कंपनी बंद। हर व्यक्ति क्या करेगा, बोले यही लो ये 400-500 रुपये महीने में पूर्ति कर रही, वहाँ पर हमें 5,000 रुपये लेना पड़ रहा है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन मेकिंग प्लान, व्यवसायिक पर्यावरण के अध्ययन से अनेक जानकारियाँ प्राप्त हो जाती है जो व्यवसाय की भावी योजनाएं बनाने में सहायक होती है। उदाहरण के लिए अग्रणी गृह निर्माण कंपनी DLF होम्स ने तेजी से महानगर के रूप में विकसित होने वाले शहरों इंदौर में गृह निर्माण की विस्तृत योजना तैयार की है। अब DLF होम्स हैंगे, ठीक है, क्या ये कंपनी है जो घर बनाती है, ठीक है, घर बनाती है,
आप कहीं भी चले जाओ, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बोल सकते हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बोल सकते हैं, या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बोल सकते हैं, ये बनाने का काम डीएलएफ कंपनी लेती है, ठीक है। ये कहाँ दबदबा बनाती है? बड़ी बड़ी सिटियों में जमीन लेती है, उसको डेवलप करती है, बनाती है, कंप्लीट करती है, ठीक है ना, फिर उनको बेचती है। ये इस कंपनी का काम है। तो ये कहाँ का भैया, उनको पता है किस एरिया में कब क्या होने वाला है, ठीक है ना। आज इंदौर इंदौर हैगा, ठीक है ना, पहले नॉर्मल सिटी थी, आज महानगरों की गिनती में भी आता है, ठीक है ना, स्मार्ट सिटी की गिनती में भी आता है, दुनिया का सबसे स्वच्छ, भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी हैगा। तो पता है उनको कि हर फैसिलिटी यहाँ पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हैगा, ट्रेन फैसिलिटी सारी सुविधा है। तो यहाँ पर विकास क्या हुआ, बढ़ते जा रहा। तो उन लोगों ने कॉलोनी काट काट कर उन लोगों ने आगे की पूरी प्लानिंग वर्क कर रखी कि अब हमें कहाँ क्या करना है। नेक्स्ट दिया है, टू फेस विद बिजनेस चेंज। वर्तमान समय में व्यवसाय को समाज की इच्छाओं में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर अपनी नीतियाँ बनानी पड़ती है। परिवर्तन की गति भी तेज है, अतः व्यवसायिक वातावरण के अध्ययन से व्यवसाय परिवर्तन का आसानी से सामना किया जा सके। जैसे टीवी का स्थान एलसीडी ने ले लिया, चेंज होता है, आपको हमेशा रेडी रहना पड़ता है बिजनेस के चेंजेस के हिसाब से, आपको रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है ना। अपने बिजनेस में चेंजेस भी आपको करने पड़ेंगे। लाइक क्या हुआ है, जैसे उसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं कि टीवी की जगह एलईडी ने ले ली है, ठीक है ना। पहले क्या चलते थे, टीवी चलती थी, फिर एलसीडी आई, अब क्या हो गया, एलईडी हो गई, ठीक। तो कंपनियों को इफेक्ट तो पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि उन्होंने पूरे माहौल चेंज कर दिया है। किसी एक कंपनी ने ये चीज चेंज करी होगी तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, सभी को चेंज करना पड़े। पहले नॉर्मली सब टीवी में खुश थे, आजकल एलसीडी, फिर एलईडी आ गई, ठीक है। अब एलईडी में भी वेराइटी चाहिए, उनको स्मार्ट टीवी चाहिए। तो ये चीज़ क्या हो गई है कि चेंजेस होते जा रहे हैं, हमारी लाइफ में चेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको हर सिचुएशन के हिसाब से फेस, हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमारे बिजनेस को रेडी रहना पड़ता है, ठीक है। कब कौन सी प्रॉब्लम आ जाए, या फिर कब कौन सी टेक्निक चेंज हो जाए, या फिर कब कौन सा माहौल चेंज हो जाए, इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, तो आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हमारे खत्म हो चुके हैं, कल हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। थैंक यू।